प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने में एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि दो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में बनी, आज उनका अलग अलग नाम रखा जा रहा है। जनता सब जानती है कि किसकी सरकार में काम हुआ, कौन नाम बदल रहा है। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में भाजपा को देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने में एक्सपर्ट है। वो मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार में बजटरी एलोकेशन से, आइडेंटिफिकेशन से बनी, आज उनका अलग अलग लेवल पे नाम रखा जा रहा है। और जो नाम रखे जा रहे हैं उनमें बहुत सारी चीजें, वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल लोग हैं, जो क्षेत्र की जनता है, उसे बहुत रोष है उनको लेकर के कि किसी का सिर्फ आइडेंटिफाई करके एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से, राजनीति की नजर से जो नामकरण की प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोग नाराज होने का काम हो रहा है। और निश्चित रूप से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता आज ये सवाल उठा रही है कि जो आपने बनाया नहीं, जो आपने ठीक नहीं किया, जो आपने चलाई नहीं व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था ऐसी थी कि आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल से, ऑक्सीजन की कमी से कोई आदमी मरा नहीं, जबकि लाखों लोगों की जान चली गई। तो उत्तर प्रदेश देख रहा है, सच्चाई जानता है और ये पता है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस पे जो काम किया था समाजवादियों ने किया था, माननीय अखिलेश यादव ने किया था, अब वक्त आ रहा है सरकार को बदलने का। और निश्चित रूप से 2022 में समाजवादियों को जिम्मेदारी मिलेगी एक मजबूत सरकार चलाने की, एक जिम्मेदार सरकार चलाने की, और हम इससे बेहतर